एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में येजी बहुत खुश होती है क्योंकि आखिरकार वो दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे थे। जुनसुक येजी से खाने का पूछता है, जिस पर वो दोनों पास्ता खाने का प्लान बना लेते हैं, लेकिन जिस जगह वो पास्ता खाने जा रहे थे वो बंद होती है, जिसे देखकर वो दोनों अपसेट से हो जाते हैं। जुनसुक अब घर पर ही पास्ता बनाने लग जाता है। येजी उसे देखकर काफी खुश होती है। तभी बार बार जुनसुक का फोन रिंगिंग करने लग जाता है, जबकि येजी को किसी का भी टेक्स्ट या कॉल नहीं आ रही होती। येजी ये देखकर सोच है कि जुनसुक इससे कहीं ज्यादा फेमस है। तभी जुनसुक पास्ता लाकर येजी को दे देता है। येजी पास्ता टेस्ट करती है तो वो बहुत टेस्टी होता है। वो एक चम्मच जुनसुक को भी खिलाती है। तभी बार बार जुनसुक के फोन पर नोटिफिकेशन आने लग जाते हैं। येजी जुनसुक से अपना फोन चेक करने को बोलती है, जिस पर जुनसुक अपना फोन देखने लग जाता है। येजी ये देखकर सोचने लगी है कि हम दोनों के साथ होने पर भी मैं अकेली हूँ। काश वाकई मैं तुम्हारा दिमाग पढ़ सकती और तुम मेरा दिमाग पढ़ सकते, जिससे तुम्हें मेरी फीलिंग्स का पता चल जाता। जुनसुक येजी को देखकर समझ जाता है कि येजी को अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए वो येजी से इसकी रूटीन के बारे में पूछता है, जिस पर येजी उसे बताती है कि वो यूट्यूब, ऑनलाइन शॉपिंग, मूवीज और ईट एंड स्लीप करती है, जिस पर जुनसुक उससे उसके फेवरेट कंटेंट के बारे में पूछता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों सोफे पर बैठे यूट्यूब देख रहे होते हैं। येजी सोचती है कि मैं जुनसुक के कितनी क्लोज बैठी हूँ, क्या ये सब सिर्फ मैं ही सोचती हूँ या जुनसुक भी ऐसा सोचता होगा। तभी जुनसुक येजी को किस करने के लिए इसके करीब आता है और तभी जुनसुक का फोन रिंग करने लग जाता है। येजी उसे उसके फोन के बारे में बताती है। जुनसुक अपना फोन देखने लग जाता है। येजी सोच रही होती है कि मैं भी होल्ड बैक करना चाहती थी, लेकिन फोन की वजह से ऐसा नहीं हुआ। जुनसुक को फोन यूज करते देखकर येजी उसे कहती है कि क्या तुम सिर्फ अपने फोन को ही डेट करते रहोगे। जुनसुक ये सुनकर येजी को सॉरी बोलकर फोन रख देता है। येजी सोचती है कि तुम जो भी कहो, लेकिन हमें एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने का टाइम मिलना चाहिए। अब जुनसुक येजी से सवाल करने लग जाता है कि क्या तुम इस वजह से अपसेट हो, तुम क्या सोच रही हो, और कहता है कि तुम मुझे बता सकती हो। जिस पर येजी कहती है कि तुम्हारे बहुत सारे एडमायर्स हैं जो हर वक्त हर जगह तुम्हारा वेट करते रहते हैं और सब कुछ वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा मैंने सोचा था। जिस पर जुनसुक येजी की चीक पर किस कर लेता है, जिस पर येजी उसे बताती है कि वो उसे बहुत लाइक करती है। और यहाँ पर एपिसोड 7 का एंड हो जाता है। अगर आप आगे के एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।